शुरुआत करी थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट और फिर बनी वो सिंगर और बाद में बनी वो बॉलीवुड की मशहूर और मारूफ हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे। क्या फूलों से खुशबू छीन ले जाएगी, पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1965 को हुआ था। पद्मिनी कोल्हापुरे के पिता पंडरीनाथ कोल्हापुरे एक क्लासिकल सिंगर थे और उन्होंने पद्मिनी को भी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग दी। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले पद्मिनी कोल्हापुरी की बुआ लगती हैं। राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के बचपन का रोल दिया था। पद्मिनी कोल्हापुरी कंट्रोवर्सी में आई जब उन्होंने फिल्म गहराई में काम किया था। पद्मिनी तब एक टीनेजर थी और उन्होंने इस फिल्म के अंदर एक बैकलेस सीन दिया था। कंट्रोवर्सीज ने पद्मिनी कोल्हापुरे का पीछा नहीं छोड़ा, खासतौर पे फिल्म इंसाफ का तराजू में पद्मिनी कोल्हापुरी ने कुछ हॉट एंड बोल्ड सीन्स दिए जिसकी वजह से मीडिया ने उन पर काफी वार किए। ये भी कहा जाता है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना ने पद्मिनी कोल्हापुरे को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रिजेक्ट कर दिया था और बाद में सौतन फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी राजेश खन्ना की हीरोइन बनकर आई। तो पद्मिनी कोल्हापुरी फिल्म मेकर राज कपूर की फेवरेट हीरोइंस में से एक थी, लेकिन जब बात आई राम तेरी गंगा मैली की तो इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गए। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर ने उनसे एक्सपोज करने की बात की, जिस पर पद्मिनी कोल्हापुरी पीछे हट गयी। क्या सूरज अंबर को छोड़ के जाएगा, लेकिन ऋषि कपूर के साथ फिल्म जमाने को दिखाना है से पद्मिनी कोल्हापुरी सिल्वर स्क्रीन पर फुल फ्लेज्ड हीरोइन की तरह एस्टैब्लिश हो गईं। फिल्म प्रेम रोग में बाल विधवा का रोल कर पद्मिनी कोल्हापुरी ने क्रिटिक्स की जुबान बंद कर दी थी। प्यार झुकता नहीं, विधाता और सौतन जैसी फिल्मों में पद्मिनी कोल्हापुरे का काम बहुत सराहा गया, लेकिन एक बड़ी ही सेंसिटिव फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने अभिनय की एक अलग छाप छोड़ी और वो फिल्म थी वो सात दिन। तुम इधर मुझसे बात करो, तुम्हारे सिर में क्या गोबर भरा हुआ है? कितना भी नहीं समझते कि एक जवान लड़की एक जवान लड़के को चोरी से समोसे क्यों भिजवाती है? चोरी से तो हम नहीं बना सकते, चोरी से भेजा समोसे कैसे खा सकते? जाने माने प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा उर्फ टूटू शर्मा से पद्मिनी कोल्हापुरी ने शादी की और शादी के बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने फिल्मों से किनारा कर लिया था, लेकिन अब भी पद्मिनी कोल्हापुरी कभी स्टेज पर नजर आती हैं तो कभी किसी मीडिया पार्टी में। पद्मिनी के फैंस को इंतजार है कि कब वो वापसी करेंगी बड़े पर्दे पर या फिर टेलीविजन स्क्रीन पे। प्यार